हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हार्मोनियम गुरु। दिस इज गुरप्रीत सिंह। आज की इस वीडियो हम सीखेंगे नागिंधुन। ये नागिंधुन मैं आपको गिनती के तरीके से सिखाऊंगा। बहुत ही सरल है, हर कोई सीख सकता है। इसमें सिर्फ चार लाइनें हैं और पहले मैं आपको एक बार ये सारी नागिंधुन बजा के दिखा देता हूँ, फिर आपको स्लो स्लो गिनती के माध्यम से इसको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो एक बार मैं आपको पहले बजा के दिखा देता हूँ, देखिए। इस तरीके से फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। अभी इसको हम गिनती के माध्यम से देखेंगे इसी धुन को। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पहली लाइन। इसको मैंने चार हिस्सों में बांट दिया है। इसकी हम पहले पहली लाइन सीखेंगे। पहली लाइन में क्या है, एक आपको वीडियो में भी नोटेशन डिस्प्ले हो रही, इसको एक नंबर मानेंगे, इसको दो, इसको तीन, इसको चार और इसको पाँच। पहली लाइन क्या है, एक दो तीन चार पाँच, चार पाँच, चार पाँच, चार। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन है। दोबारा देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, चार पाँच, चार पाँच, चार। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन खत्म। अभी दूसरी लाइन, इसको आप छोड़ दीजिए। अभी दूसरी लाइन क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अभी एक दो तीन चार पाँच हम इसको लेंगे, ये सॉरी, एक दो तीन चार पाँच। अभी दूसरी लाइन क्या है, दो तीन चार पाँच, चार पाँच, चार तीन दो एक। ठीक है, क्या है, दो तीन चार पाँच, चार पाँच, चार तीन दो एक। ठीक है, ये आपकी दूसरी लाइन है। अभी इसमें क्या करना है, आपको पहले पहली लाइन बजानी, फिर दूसरी लाइन बजानी, फिर पहली लाइन बजानी, फिर दूसरी लाइन बजानी। तो इस तरीके से ओरिजिनल ही बजेगी। ठीक है, पहले पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन। उसके बाद तीसरी लाइन क्या है, तीसरी लाइन हम इसको मानेंगे एक नंबर, इसको दो और इसको तीन, इसको चार। ये सिर्फ चार स्वर लगेंगे तीसरी और चौथी लाइन में। तो देखिए क्या है, पहले तीसरी लाइन में एक दो तीन चार, ये स्वर लगेंगे। अभी इनकी नोटेशन क्या है, तीन दो तीन दो, तीन दो चार दो, तीन एक दो एक। ये आपकी तीसरी लाइन है। दोबारा देख लीजिए, तीन दो चार दो, तीन एक दो एक। ये आपकी तीसरी लाइन। अभी चौथी लाइन देखिए, चौथी लाइन भी इन्हीं चार स्वरों पे निकलेगी। चौथी लाइन कैसे, तीन दो चार दो, तीन एक दो एक दो। ठीक है, तीसरी और चौथी लाइन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ चौथी लाइन में क्या है कि लास्ट में आपका दो ऐड हो जाएगा, यानी कि दो नंबर और जुड़ जाएगा। ठीक है, चौथी लाइन दोबारा लिख लीजिए, तीन दो चार दो, तीन एक दो एक दो। ये आपकी चौथी लाइन। बस ये चार लाइनें बजानी। अभी फिर से कैसे बजेगी, पहले हम वही लाइन बजाएंगे, पहली लाइन, प्रकार ही आपकी नागिंधुन बजेगी। बहुत ही सरल है, सिर्फ चार लाइनें हैं, गिनती के माध्यम से मैंने आपको बता दी, ऊपर ऊपर नोटेशन भी दिख रहा है और स्वर भी बता दिए इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। बहुत ही सरल है, कुछ मुश्किल नहीं इसमें। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद।